उत्तराखंड में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण पर धामी सरकार का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब तक करीब 300 से ऊपर अवैध निर्माणों पर उत्तराखंड सरकार का पीला पंजा चल चुका है। लेकिन एक ऐसा मामला देहरादून से सामने आया है जिसमें सरकार की 3 बीघा जमीन पर भू माफियाओं के कब्जे और उसे बेचे जाने की घटना का संज्ञान लेने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर गढ़वाल कमिश्नर की ओर से 2 बार FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पूरा मामला क्या कुछ है आपको यहाँ पर बताते हैं। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुजराड़ा मानसिंह स्थित राज्य सरकार की लगभग 3 बीघा जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया। इतना ही नहीं, इस जमीन को आगे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच भी दिया गया। प्रकरण जब सामने आया तो वर्ष 2021 में गढ़वाल कमिश्नर ने लैंड फ्रॉड की बैठक में संबंधित इस व्यक्ति पर जिलाधिकारी को FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, दोबारा आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, निर्देशित किया कि FIR के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी को अवैध कब्जे पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया जाए। सरकारी सिस्टम की सुस्ती से 3 साल बीत गए हैं, लेकिन सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। इस पूरे मामले पर कानून को और पटवारी को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन भू माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फाइल आगे ही नहीं बढ़ पाई। अब जिलाधिकारी देहरादून का कहना है कि पत्र उन्हें अभी रिसीव हुआ है और इस पर कार्रवाई ना होने के क्या कुछ कारण रहे हैं इसको देखा जाएगा। DM ने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच होगी। लैंड से रिलेटेड फ्रॉड्स और लैंड से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो प्रायः हमारे यहाँ संज्ञान में आ भी रहे हैं और हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देश हमारे पास शासन से आएंगे या आए हैं, हम कोशिश करते हैं उनका अनुपालन किया जाए और जहाँ भी कहीं कोई शिथिलता होती है तो हम कार्रवाई जरूर करें। ये थी देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।